हम कर रहे हैं स्वर्णवत्स 2018, और मैं आज ना आपको कम से कम 10-12 तरीके से फिरेट लगाने सिखाऊंगा, ठीक है? अलग अलग तरीके से फिरेट कैसे लगाते हैं, ठीक है? बहुत सारे तरीके की फिरेट होती है, होती तो फिरेट एक ही है वैसे, पर हम कई तरीकों से अलग अलग तरीकों से लगा के देखेंगे कैसे कैसे लगा सकते हैं, ठीक है? सबसे पहले जो सबको पता है कि आज लोग फिरेट लग जाएगी, कितना रेडियस, 5 का या 10 का, ये सबको आती है ना। एक और लगाते हैं, इसको ऊपर करते जाते हैं ताकि हमें पता लगता जाए कितनी होगी फाइट। हम कोई भी दो एजेस को सेलेक्ट कर सकते हैं इकट्ठे, तो फायदा क्या होगा, इन दोनों का इकट्ठा रेडियस चेंज होगा, वो भी 20 और वो भी 20, दोनों 20 हो गए, ठीक है? पर हम चाहते हैं ये 20 हो और ये 10 हो, तो क्या करेंगे, तो अब एक और फिलेट लगाएंगे, इसको एच सेलेक्ट करेंगे, इसको 20 कर दिया, और यहाँ पे ऑप्शन है मल्टी रेडियस फिलेट, ठीक है? अब मैं यहाँ पे कर मल्टी रेडियस नहीं, सॉरी, मल्टी रेडियस नहीं करना चाहते हम इसको, हम इसको करना चाहते हैं यहाँ से वेरिएबल रेडियस, वेरिएबल रेडियस फिलेट। मल्टी रेडियस फिलेट का मतलब ये होता है कि यहां पे 20 का और यहां पे हम दोनों का अलग अलग रेडियस आने लग गया, ठीक है? ये 10 का, ठीक है? वो पहले प्रव्यू नहीं आया था इसलिए हम कंफ्यूज हो गए, भाई ये क्यों नहीं आया प्रीव्यू? प्रीव्यू आया, जब भी कुछ भी हम मॉडिफाई करेंगे ना तो यहाँ पर प्रीव्यू आएगा। अब जैसे मैं एक और एज सेलेक्ट कर दूँ तो उसका रेडियस अलग से आएगा, तो उसका रेडियस को मैं अलग वैल्यू दे सकता हूँ, ठीक है? अगर आपके कंप्यूटर में ग्राफिक कार्ड की प्रॉब्लम होगी ना तो ऐसी प्रॉब्लम होती है कि कभी कभी प्रीव्यू नहीं आता। अब यहाँ 20 का है, ये 5 का है, ये 10 का है, ठीक है? कभी आ गया, इसको लगा रहने देते। एक चीज दिखाता हूँ मैं, एक फिलेट और होती है बड़ी अच्छी, इसमें कि मैंने एज सेलेक्ट की तो देखो ये सारे कॉर्नर पे लग गई, क्यों लग गई? क्योंकि टेंजेंट प्रोपोगेशन ऑन है। अगर मैं टेंजेंट प्रोपोगेशन बंद कर दूँ तो वो सिंगल एज पे ही लगे, बट अगर मैं टेंजेंट प्रोपोगेशन ऑन कर दूँ तो वो सारी जगह पे लगने लग जाती है। क्लियर? थोड़ा जुकाम हो गया इसलिए ऐसा हो रहा है, कोई बात नहीं, हमारे को तो फिलेट से ज्यादा मतलब होना चाहिए, है ना? जुकाम से क्या करना है। तो फिलेट लिए हमने, एज सेलेक्ट किया, तो ये सिमेट्रिक फिलेट लग रही है इस वक्त, ठीक है? अगर सिमेट्रिक की जगह असिमेट्रिक कर रहे और यहां पे मैं कर दूं 25 और यहां कर दूं मैं 15, एक साइड 15 एक साइड 25, तो ये असिमेट्रिक फिलेट लग गई, ठीक है? कैसी भी रिक्वायरमेंट हो सकती है, वैसे चैम्फर होती है ऐसी, बट इसमें हमारे पास एक ऑप्शन आई है सॉलिडवर्क्स में फिलेट की, तो फिलेट की क्या आ सकती है, ठीक? फिलेट ली हमने, सिमेट्रिक हो गया, असिमेट्रिक हो गया, असिमेट्रिक में इलिप्टिकल है और कोनिक रो है, कोनिक रो, इसका मतलब देखो क्या होता है। अब सपोज करो मैंने यहाँ पे एज सेलेक्ट की, है ना? तो ये कोनिक रो है, अगर इसको मैं यहाँ कर दूंगा 0.1, तो देखो ये तकरीबन फ्लैट की तरीके से होने लग गया, और अगर मैं यहाँ पे कर दूंगा 0.8 तो ये ऐसे हो जाएगा, यानी कि ये डिस्टेंस के साथ साथ उसको टेंजेंसी कितनी, रो कहते हैं, बोलते हैं इसको आर एच ओ, रो मैथमेटिकल टर्म में रो, ठीक है? तो इससे ये टेंजेंसी ज्यादा हो रही है या टेंजेंसी कम हो रही है इसको बोलते हैं, ये कहाँ से आएगा, प्रोफाइल में रो। अगर यहाँ पे सिमेट्रिक कर देंगे ना तो ये ऑप्शन देखो ऐसे आ रही है, ठीक है? कोनिक रेडियस कर देंगे तो रेडियस आ गया, रो कर देंगे तो रो आ गया,
ठीक है, रो की अपनी एक वैल्यू है, जितनी वैल्यू में करता जाऊंगा उसके अकॉर्डिंग चेंज होती जाएगी। क्लियर हो गया? सर्कुलर कर दूंगा तो बिल्कुल गोल आ जाएगा, जैसे सिंपल होता है। ठीक है, कोनिक का रेडियस दे सकते हैं, 25 का चाहिए, 50 का चाहिए, जैसे जैसे ज़्यादा करते जाएंगे या कम करते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग भी वैल्यू चेंज होती जाएगी। क्लियर है? तो ये काम की चीज है, बहुत सारे लोगों को ये कोनिक रो आती भी होती। एक और बड़ी अच्छी चीज है इसमें फिलेट के अंदर ही। अब सपोज करो मैंने तीन एजेस सेलेक्ट कर ली, एक ये, एक ये और एक ये। ठीक है, इसका रेडियस इसको सिंपल सर्कुलर कर देते हैं ताकि समझ में आए हमारे को बात। इसको 10 दे देते हैं। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे गोल बन रहा है, ओके कर देता हूँ मैं। तो ये फिलेट गोल बन रही है ना। इसमें एक और बड़ी अच्छी जबरदस्त है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। यहाँ पे ऑप्शन है सेट बैक पैरामीटर। ठीक है, अब ये वाली भी फिलेटे करेंगे जो बाकी की है। सेट बैक पैरामीटर में ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करता है, तो ये हमारे से तीन डिस्टेंस पूछेगा। मैंने कहा जी ये वाला मुझे 45 चाहिए, ये पॉइंट 45 पे चला गया, ये वाला मुझे 35 पे चाहिए, ये 35 पे चला गया, ये वाला मुझे 25 पे चाहिए, तो वो 25 पे चला गया। उल्टा कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह कम है ना, इसलिए वो मार नहीं रहा। इसको 12 कर देता हूँ। ठीक है, इसको 25 कर देते हैं, यानी कि यहां से यहां का डिस्टेंस, यहां से यहां डिस्टेंस, यहां से यहां डिस्टेंस, तीनों डिस्टेंस दे दिए और ओके कर दिया। तो देखो ये शेप कैसे बनती है, इसको बोलते हैं सेटबैक पैरामीटर। एक तरीके से यहाँ पे फुटबॉल की तरह है। ठीक है, और उसको इधर भी पैच कर दिया, इधर भी पैच कर दिया, इधर भी पैच कर दिया, जितने जितना डिस्टेंस था उसके अकॉर्डिंग पैच कर दिया। ठीक है, सभी आया फिर। वैसे यहाँ पे 8 आ रही है, बट हमने वो 2-3 इकट्ठी कर ली ना, तो इसलिए कम हो गई। थोड़ी और करते हैं, बहुत फिलेट है इसमें। फिलेट में एक और ऑप्शन बड़ी अच्छी है, जैसे ही मैं एक एज सेलेक्ट करता हूँ, ध्यान से देखो क्या होता है। यहाँ पे चारों लाइनें सेलेक्ट कर दिए, ये सभी लाइनें सेलेक्ट कर दिए, ऑप्शन आ जाती है। ठीक है, तो मैंने कहा जी चारों लाइनें सेलेक्ट कर दी है, तो चारों ये सिलेक्शन का तरीका है, एक तरीके से चारों सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर मैं फिलेट लगाते हुए सारी सिलेक्ट कर लेता तो सारे कॉर्नर पे फिलेट लग जाएगी एक ही बार में, तो ये ज्यादा अच्छा है। इसकी बहुत जरूरत पड़ती है, जब सारा मॉडल बन जाएगा तो कम से कम मतलब ना 0.5 की तो फिलेट लगा ही देते हैं सारे कॉर्नर पे, या 0.2 की, ताकि शार्प एज ना रहे। तो यहाँ पे 0.2 करो तो और ओके कर दो, तो सारे शार्प एज खत्म हो जाएंगे। ठीक है, कोई डाई वगैरह बनाएंगे ना तो वहाँ पे लगाते हैं। अगर इसके ऊपर भी कुछ बना होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फिलेट लेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब देखो ज्यादा ऑप्शन आ गए, नीचे वाले चार पे करना है, सभी पे करना है, और वर्टिकल एजेस पे, नीचे वाले के सारे पे करना है, या सारे के सारे पे करना है, या बिल्कुल टोटली सारे पे करना है, ऑल 23 एजेस, या ऑल कन्वेक्स 19 एजेस। ये नीचे वाली रह गई है, देखो कन्वेक्स नहीं, नहीं कन्वेक्स नहीं। हाँ ठीक है, तो ये देखो सारी रेडियस लगता है। किसी भी टाइम कभी भी कोई भी डिमेंशन चेंज की जा सकती है, ज्यादा भी नहीं करनी चाहिए। क्लियर? इसका फायदा तभी होगा सबसे ज्यादा जब हम साथ साथ करके देखेंगे। ठीक है कि नहीं, साथ साथ कंप्यूटर खोल लो, साथ साथ फोन में वीडियो चला लो, हेडफोन लगा लो। ठीक है,
तभी फायदा होगा इस वीडियो का। ठीक है, फिलेट में और भी बहुत सारी ऑप्शन है, बट इनको करने से पहले हमारे को नीचे यूट्यूब का चैनल है हमारा, तो इसके ऊपर लाइक कर देना चाहिए, है ना? साथ साथ कर देंगे तो याद रहेगा, नहीं तो बाद में वीडियो देखने के बाद भूल जाएंगे तो पता नहीं लगेगा। हम कर रहे थे फिलेट, फेस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो सारे फेस पे फिलेट लग जाएगी, इस फेस पे क्लिक करेंगे तो सारे फेस पे फिलेट लग जाएगी, सारी एजेस पे फिलेट लग जाएगी, इस पे क्लिक किया तो सारी एजेस, मतलब सिलेक्शन करने का तरीका है, एक एक एज करने की बजाय फेस पे क्लिक कर दो वो सारा फेस ले लेता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये भी एक तरीके से फिलेट लगा सकते हैं। एक और बहुत काम की फिलेट है वेरिएबल फिलेट, वेरिएबल साइज फिलेट। वेरिएबल साइज फिलेट में क्या होगा, जैसे ही मैं एज सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है अच्छा, यानी ये वर्टेक्स वन है, ये वर्टेक्स टू है। अब वर्टेक्स वन पे कितना रेडियस बनेगा जी, 12 का। वर्टेक्स टू पे कितने का रेडियस बनेगा जी, 5 का। ठीक है, इस पॉइंट पे कितने का रेडियस बनेगा जी, 4 का। इस पॉइंट पे कितने का रेडियस बनेगा जी, 12। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे भी परसेंटेज बता दो कितने परसेंट पे, अगर ये 50 नहीं चाहिए 55 चाहिए तो 55 कर दो, वो थोड़ा सा आगे हो जाएगा, बल्कि इस पोजीशन में कितना रेडियस चाहिए। ठीक है, और वो जैसे जैसे हम पॉइंट बढ़ाते जाएंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ पॉइंट पूछ रहा है वो। ठीक है, तो जैसे जैसे पॉइंट बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पॉइंट और आते जाएंगे। जिस पॉइंट पे भी वैल्यू चाहिए उस पर क्लिक करो, वैल्यू भरो, ठीक है, और ओके कर दो। माउस में ज्यादातर ये फिलेट लगी होती है, देखो इधर से ज्यादा है, इधर से कम है, इधर से अलग है, इधर से अलग है, सारी साइड से अलग अलग। ठीक, ये है वेरिएबल फिलेट, क्लियर हो गया। अच्छा, एक और फिलेट है इसमें बहुत काम आती है, जो ये फेस फिलेट है, इसको बाद में करते हैं, पहले फुल राउंड फिलेट करते हैं। ठीक है, फुल राउंड फिलेट में क्या होता है, एक फेस ये सिलेक्ट किया, ये देखो यहां बना भी हुआ है, एक ऊपर वाला सिलेक्ट किया, एक इधर वाला सिलेक्ट किया। ठीक है, फुल राउंड फिलेट, हमारे को रेडियस नहीं देना पड़ा, इतनी फिलेट वैसे किसी को आती नहीं है। ठीक है, तुम्हारे को आती होगी तो फायदा हो जाएगा तुम्हारा। 3 एजेस सिलेक्ट कर ली, कोई जरूरी नहीं है ऐसे, इधर को भी लगा सकते हैं फिलेट, एक फेस ये, एक फेस ये, और एक फेस है बस, फुल राउंड फिलेट कहते हैं इसको। 3 फेस होने चाहिए इसके अंदर, तो वो टेंजेंट 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 तीनों के फिलेट लगा देगा। ठीक, एक हमारी रह गई थी फेस फिलेट, है ना? तो फेस फिलेट भी कर लेते हैं। अब सपोज करो मैंने कोई चीज बनाई है यहाँ पे, ठीक है, बड़े काम की चीज है ये, फेस फिलेट भी दिखाता हूँ तुम्हारे को। इसमें एक कट मार देते हैं छोटा सा, ठीक है, ये फेस फिलेट। फेस फिलेट में क्या होता है, एक फेस ये, एक फेस ये, सॉरी एक फेस ये और यहां पे क्लिक करके फिर दूसरा फेस, तो उन दो फेसेस के बीच में फिलेट लग जाएगी। ठीक, एक और चीज करके दिखाता हूँ फिलेट से कि होता क्या है एक्चुअल में।
ये फिलेट अलग से क्यों दी गई है, एक कट और मार दे। इसी की एग्जांपल एक और बता रहा हूं मैं, आलस नहीं करना चाहिए डिलीट करने का कभी भी, ठीक है। तुम अगर डिमेंशन से नहीं बनाओगे ना तो तुम्हारा सही नहीं बनेगा, इसलिए मुझे तो पता है मुझे क्या करना है, ठीक है। इसलिए अगर आप डिमेंशन से बनाओगे तो ऐसी शेप चाहिए, डिमेंशन कुछ भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलेट लिया, फेस फिलेट लिया, एक फेस ये और एक फेस ये, सॉरी यहाँ पे क्लिक करके एक फेस, ठीक है। हाँ अभी दिखा था ना, जैसे रेडियस बढ़ाएंगे ना, ओके कर दो, देखिए क्या होता है, नहीं माना है ना, माना वो इसलिए नहीं क्योंकि कट लगा हुआ है इसके बीच में। तो हम क्या करते हैं, यहां से यहां यहाँ पे हम फिलेट लगा सकते हैं। मैं ये दिखाना यही चाह रहा था कि अगर फेस दोनों आपस में जुड़े हुए नहीं होंगे तो फिलेट नहीं लगेगी ऐसे, बट क्रियो में या एनएक्स में इन दोनों फेसों पे फिलेट लगाएंगे तो लग जाती है, सॉलिडवर्क्स में नहीं लगती, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है, ये फेस और ये फेस के बीच में फिलेट लगाने की जब हम कोशिश करेंगे, ठीक है, तो नहीं लगेगी, कोई बात नहीं। हाँ फेस जुड़े नहीं ना हुए इसलिए नहीं लगे। अच्छा एक और फिलेट लगाते हैं, अगर मेरे पास कोई सर्कुलर चीज बनी हो, कोई भी गोल चीज है, फिलेट लिया, एज सिंपल एज फिलेट लगाते हैं, कितना रेडियस चाहिए मुझे, कहा जी मुझे 5 का रेडियस चाहिए, ठीक। ठीक है तो ये राउंड है, पर अगर मैं यहाँ पे चौरस बनाता हूँ, रेक्टेंगुलर शेप, मैं फर्क दिखाना चाह रहा था दोनों में फर्क क्या होता है। ठीक ये फेस सिलेक्ट हो गया, गोल आ रहा है ना नीचे से, राउंड को गोल आ रहा है, चाहे उनको मैं ना सिलेक्ट करूं तो भी गोल आ रहा है ना, ओके कर दो तो ये गोल हो गया। पर अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके फिलेट में है, फिलेट एक्सपर्ट करना चाहता हूँ एक्चुअली मैं, फिलेट लो है यहाँ पे, फिलेट एक्सपर्ट में चले जाओ, ठीक है, और यहाँ पे कॉर्नर पे चले जाओ, ठीक है, और ये सरफेस सिलेक्ट करो, ठीक है, कॉर्नर में जाके सरफेस सिलेक्ट की, यहाँ पे ऑप्शन आती है शो अल्टरनेट, इस पर क्लिक किया, अब आपको अल्टरनेट ऐसा चाहिए या ऐसा चाहिए, मैंने कहा जी ऐसा चाहिए, वो देखो कॉर्नर बन गया वहां पर कॉर्नर, ठीक है। इसको बोलते हैं फिलेट एक्सपर्ट, फिलेट में गए, फिलेट एक्सपर्ट में गए, कॉर्नर में गए, सरफेस सिलेक्ट की, शो अल्टरनेट, ठीक है, सिलेक्ट किया, ओके,
तो ये फायदा हो गया हमारे को। ठीक है, बहुत सारी हो गई, वीडियो भी बहुत लंबी हो गई। ठीक है, कुछ एक ऑप्शन रहेगी, उसको हमें एक अलग वीडियो बनाएंगे सेकंड, और उसमें लगा के देखेंगे कि हम और क्या क्या चीज़ें एफिनेट के साथ कर सकते हैं। ठीक, इनका सबसे बढ़िया तरीका यही है कि साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे, साथ साथ लगा के देखेंगे, तो मौके पे आपको याद आनी चाहिए भी कैसे फिलेट लगानी है। मोस्टली ड्राइंग बन जाती है, फिलेट ही नहीं लगती एंड में। फिलेट की इतनी ऑप्शन होने के बावजूद भी फिलेट ही नहीं लगेगी एंड में सभी ड्राइंग पर। हाँ, तो इसलिए फिलेट बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। मोस्टली लोगों को फिलेट ही लगाने में दिक्कत होती है, और बिना फिलेट के कंपोनेंट पास नहीं होता। ठीक है, नहीं तो फिलेट की प्रैक्टिस करो, अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं तो लाइक तो करना बनता ही है। ठीक है कि नहीं?